हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम कॉपी पेस्ट के दो नए ट्रिक्स देखेंगे। सबसे पहला है पेस्ट लिंक और उसके बाद है लिंक पिक्चर। इसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगह पर कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ राइट क्लिक, यहाँ पर पेस्ट पेशल, यहाँ पर इस एरो पर जाता हूँ और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए पेस्ट लिंक, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारी लिंक पेस्ट हो चुकी है, मतलब मैं यहाँ पर F2 करूंगा तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू इस सेल का रेफरेंस है। मतलब यहाँ पर कोई भी मैं चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ या फिर कुछ अलग टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हर जगह पर हमारी लिंक पेस्ट हो चुकी है। इसका इस्तेमाल हम अलग अलग जगह पर और अलग अलग रिपोर्ट में कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं लिंक पिक्चर। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल सी, यहाँ पर आता हूँ राइट क्लिक, यहाँ पर पेशल पेस्ट के एरो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर लिंक पिक्चर, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा पिक्चर यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अभी इस पिक्चर में और ओरिजिनल डेटा में लिंक है, मतलब यहाँ पर कोई भी मैं चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं इसको पूरा कलर कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पर दूसरा बुक टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट की प्रेस कीजिए। इस तरह से पेस्ट लिंक और लिंक पिक्चर, इसका इस्तेमाल हम अलग अलग जगह पर और अलग अलग रिपोर्ट में कर सकते हैं।